नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत सिविक सेंटर का अर्जुन रथ परिसर अति शीघ्र भव्य स्वरूप में नजर आने वाला है। इसका कार्य लगभग अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। महापौर नीरज पाल और निगमायुक्त रोहित व्यास ने विकास कार्यों को लेकर विभिन्न स्थानों का जायजा लिया और अधिकारियों को मौके पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने को कहा। अर्जुन रथ परिसर में नाली निर्माण, सुरक्षा घेरे के लिए बाउंड्री वॉल, अर्जुन रथ का विकास एवं सौंदर्यीकरण, परिसर के भीतर चलने के लिए पाथवे जैसे अन्य सुविधाएं भी यहां उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब यह कार्य फाइनल स्टेज में है और यहां पर आने वाले लोगों को यह आकर्षित भी करेगा। इसी तरह स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल श्री राम चौक के पास 2 मंजिल भवन के साथ यह स्कूल तैयार हो चुका है। लाइब्रेरी, विभिन्न प्रयोगशाला, प्राचार्य कक्ष, स्टाफ रूम सहित बच्चों के अध्ययन के लिए 11 क्लासरूम यहां निर्मित हो चुके हैं, जिससे बच्चों को अच्छे माहौल में अध्ययन करने का मौका मिल पाएगा। माननीय महापौर जी आयुक्त महोदय के द्वारा जो है जो आत्मानंद स्कूल है कुर्सीपार क्षेत्र का, उसका विजिट किया गया था। इसके साथ में ही जो सेवन विंडर है वहाँ पर सुपेला चौक के पास में उसका निरीक्षण किया गया। और हाउसिंग बोर्ड में फरीदनगर के जो हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल तैयार किया जा रहा है उसका अवलोकन किया गया। इसके अलावा वैशाली नगर क्षेत्र में वेंडिंग जोन का निर्माण किया जा रहा है, इसको लेकर निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके तहत में जो कार्य है उसको पूर्ण करने के लिए और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश जो है संयुक्त रूप से दिए गए। निगम आयुक्त रोहित व्यास और महापौर नीरज पाल द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, अधीक्षण अभियंता दीपक जोशी, जोन आयुक्त राजेंद्र नायक, ईशादित लहरे, पूजा पिल्ले, कार्यपालन अभियंता संजय शर्मा, संजय बागड़े एवं कुलदीप शर्मा आदि मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।